कोहन को धुख दिया ज्यादा वही के है तारे कोहन को धुबे के है एक तो बिल्कुल इतना तो बातों में चा समझाओ के नहीं थे किना लगे थे कोहन को तो सभी जगह तो लेल दई है मैं तो कुयोन को तो सभी जगह तो काको लेल दई है फुटबॉल टूर्नामेंट एनामेंट है अपता है ऐसे ऐसे भुवरी बिना चिकोड़ा कुयोन को लगे ज्यादा वही के है एन जगह ना रालकाबू टाइट है एन तो है सभी दर्शकों से निवेदन है जो हमारे दाई छोर पर मुख्य पेविलियन से दाई तरफ जो जगह बना हुआ है वो महिलाओं के लिए है ध्यान दें वो जगह जो है महिलाओं के लिए है इसलिए आप सबों से निवेदन है अनुरोध है कि उस जगह पर ना रहे कोई भी पुरुष वर्ग उस जगह पर ना रहे अगर आप हमारे आवाज सुनने के बावजूद वहां पर रहेंगे तो हमारे वॉलंटियर्स जाएंगे और आप सबों को हटा देंगे इसीलिए आप समझदार दर्शक हैं अनुशासित दर्शक हैं इसलिए बात को मानते हुए आप लोग प्लीज उस जगह को छोड़ देने की कृपा करेंगे हेलो ब्रेकर में यानी कि पेनल्टी शूटआउट में जो रिजल्ट आया है श्री शंकर सिंकू जी आप रेफरी के रूम में गए थे प्लीज हमें विक ऑफिस में बता देने की कृपा करेंगे श्री शंकर सिंकू जी आप रेफरी के रूम में गए थे ब्लू रेबल और कुमिरता के बीच जो पेनल्टी शूटआउट हुआ था उसमें कौन सी टीम विजय ने हासिल की उसका जानकारी हमें मुख्य फैमिली में देने की कृपा करेंगे अलोका जी इस मैच में बहुत ही रोमांच होता हुआ 15-15-30 मिनट के सेकंड राउंड में मैच चल रहा है इसमें द्वितीय मैच जंगली टाइगर और बिंदास एफसी के बीच जो कि बिंदास एफसी की टीम नीली जर्सी पर और लाल जर्सी पर इस समय खेलते हुए जंगली टाइगर की टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तक दोनों टीमें 0-0 के मुकाबले ड्रॉ के पोजीशन में खेलते हुए कहना बड़ा मुश्किल कौन सी टीम जीत हासिल करेगी एक फ्रीकी का मौका मिलता हुआ इस समय कहना चाहेंगे बिंदास एफसी से काफी अनुभवी खिलाड़ी जगदीश बेहरा खेलता हुआ मिडफील्डर के रूप में लंबी छाया पर देखना पड़ेगा लेकिन दिशा ही और ये चलिए बना प्रमाण धन्यवाद नितिन जी ये सेकेंड राउंड का दूसरा खेल महिला के पश्चिमी छोर पर है लाल और काले पीले बॉर्डर के जर्सी पर है जंगली टाइगर की टीम और उनके मुकाबला खेल रही है ब्लू रेड नंबर के जर्सी पर बिंदास एफसी थ्रिल टीम की टीम है कोलाचारा थ्रिल टीम की टीम है जंगली टाइगर की टीम और मूवमेंट बनाया था लेकिन वहां पर अच्छे खेल को रिफ्लेक्शन करते हुए कई नजरों से थ्रिल टीम की टीम बिंदास एफसी की टीम जगदीश टेक कट करते हुए अपने साथी खिलाड़ी के लिए और जंगली टाइगर ने प्रथम चक्कर को जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया था इसमें क्या करती है वह जंगली टाइगर राइट विकेट लाकर बनाते हुए एक खिलाड़ी को मार करते बाद में लिफ्ट विकेट गेंद को फटका दिए क्रॉस पास लेफ्ट विकेट हल्के कदमों गेंद को टाल कदमी करते हुए राइट विकेट गेंद को निकालने लगा वहां पर डिफेंस मौजूद मौका बन सकता है लेकिन डिफेंडर इसको क्लियरेंस कर दिया है कोई मौका नहीं दिया डेंजर जो से गेंद को क्लियरेंस और आउट थ्रोइंग का मौका मिलेगा जंगली टाइगर की टीम
इसके बाद खेल एमपीसी बड़गीता बना 10:40 शोरापोती ये बिल्कुल बिल्कुल तैयार रहेंगे। और एक जानकारी देना चाहेंगे कि इस खेल से पहले ब्लू रेबल और कुमुदिता के बीच मैच चल रहा था, उस मैच में मैदानी मैच में ड्रॉ के पोजीशन में रहा और उन्होंने का निर्णय पेनल्टी शूट आउट के द्वारा लिया गया, जिसमें ब्लू रेबल्स की टीम विजय श्री हासिल की और द्वितीय चक्कर में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिए है। और प्रत्याशी के पास कौन उससे रुकी नहीं गेंद, लेफ्ट विंग के लिए आउट कीपर गेंद को रखते हुए लाल हैदर जैसे जंगली टाइगर टीम को आरोप ब्लू रंग है जैसे मिला हुआ अब इस खेल के बाद जो खेल होना है मां तरणी क्लिनिक बड़ीता बनाम 10:40 छोरापोती बिल्कुल बिल्कुल तैयार रहेंगे। जैसे खेल और विशेष सूचना सभी खेल जीते जाकर सजे राउंड का माध्यम का सही 30 मिनट का खेल खेला जा रहा 17-15। आज ग्रुप ए का मैच चलता हुआ, कल ग्रुप बी का और आबार को फाइनल ग्रुप सी का और ग्रुप ए बी सी से जो भी टीम चैंपियन रहती है ग्रुप से चैंपियन थी ग्रुप चैंपियन और गोल रखने सर्वाधिक गोल का सीधा फाइनल पर प्रवेश कर जाएगी और सेकंड जो साथ रहे वो सेमीफाइनल के लिए जुड़ेंगे तुरंत होगी। इसलिए खिलाड़ी और मैन ऑफ द मैच बेस्ट स्कोरर और उसका पुरस्कार भी है अच्छे खिलाड़ी अच्छा मौका बचा था तो नहीं निकली है मैदान थोड़ा कमी है उसको थोड़ा होते हुए आउट रोहित को मौका जंगली टाइगर टीम लाजवाब प्रदर्शन दोनों की टीम इक्वलाइज टीम है क्वार्टर में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है इस कम अवधि का समय है। इस 30 मिनट में अपना जलवा तमाम मचाई खिलाड़ी और गोल करने का पूरा प्रयास करेंगे कसर नहीं छोड़ेंगे तभी टीम विजय हासिल कर सकता है। इस खेल के बाद जो खेल होना है अगला खेल मातरणी क्लिनिक बड़गीता बनाम 10:40 छोरापोती के बीच अच्छा माइनस 33 के लिए 33 स्कोर बहुत ही अनुभव खिलाड़ी और अपने साथी के लिए राइट विंगर मिल गए को बुला दिया फुटबॉल के मिट्टी धागो वाला दीवार पर जीता से 5% फुटबॉल इस्तेमाल के लिए डिसाइड शॉट और कोई क्षति नहीं। अब तक मैं बीता फैक्ट्री के लिए 11 बार काउंटर किया है गोल गोल कोर्ट पर लेकिन सफलता हासिल नहीं हुआ और जंगली टाइगर अपनी तरफ से 5 बार लेकिन अब तक कोई भी आगज नहीं हुए और अगले आवाज के लिए लेते थे बेहतरीन खेल चलता हुआ लोकनाथ जी इस समय जंगली टाइगर और बिंदास एफसी के बीच
पीछे की तरफ गेंद को देने की कोशिश, अच्छे देना पड़ेगा, दोनों छूझ रहे दूसरे से, टकराई की गेंद यहाँ पर, मैदान से बाहर जाने से रोकने की कोशिश किया था लेकिन मैदान से बाहर चली गई गेंद। एक गोलकी का मौका मिलेगा चंदी टाइगर टीम को, बिंदास एफसी होमी होने का प्रयास जरूर कर रहा है लेकिन फिनिशिंग नहीं उन पर, नहीं फिनिशिंग कर पा रहे हैं पर, अगर फिनिशिंग करते तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन चंदी टाइगर इस समय अपने नियंत्रण में लेकर दिए तो राइट विथ फील्डर को दी है, राइट विथ फील्डर अपने कब्जे में लेकर उछली पास है पर डाला है, देखना पड़ेगा लेफ्ट विंगर के पोजीशन में आता हुआ तेजी से गेंद के पीछे भाग तो रहे हैं लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए और गेंद चली गई मैदान से बाहर। अच्छी मोमेंट बनाया था, दो से चार बार लगभग बिंदास एफसी ने लेकिन फिनिशिंग नहीं ले पाए थे और लंबी थोड़ा ही यहाँ पर टप्पा खाने के बाद गेंद तो अच्छी पोस्ट डाला है लेकिन उनके कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गोलकीपर ने जाकर नियंत्रण किया गेंद को और उछली भी पास किया है लेकिन गलत कर रहे थे और टप्पा खाने के बाद सीधे बना के बाहर चली गई थ्रॉ के लिए, जबकि मौजूद अपने नियंत्रण में लेकर चेक करने का प्रयास देना पड़ेगा क्या कुछ कहते हैं, चार नंबर ने दोबारा इन किया है लेकिन इस गेम को भी रोकने में सफल और किक किया था जरूर जंगली टाइगर के खिलाड़ियों ने लेकिन टकराए बिंदास से और बिंदास अंदाज से गेंद मैदान से बाहर चली गई, गोल से बाहर चली गई और गोल किक का मौका मिलेगा इस समय जंगली टाइगर को, अगला मैच के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, वह टीम है परमिता और सराभूषी। दोनों टीम में इसमें भी काफी तगड़े खिलाड़ी सब है, जंगली टाइगर में नितिन जी सुरेश सोए जैसे खिलाड़ी भी है और उधर जगदीश कुमार जैसे भी खिलाड़ी, कुछ पल्ला तो एक ही है लगता है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, देखते हैं इस गारपुरा में क्या धूम मचाती धमाल मचाती है इस ग्राउंड पर, मैं क्या सही क्या कहना चाहेंगे नितिन जी इस विषय में, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं दोनों टीम में और अब कहना चाहेंगे हम कि हमारे पवेलियन से दाई तरफ जो महिलाओं के लिए जगह है उस जगह पर पुरुष पर अगर खड़े हैं तो कृपया वहां से हट जाए और हम ये भी कहना चाहेंगे अगर हमारे समिति के सदस्य भी वहां पर खड़े हैं तो आप लोग भी वहां पर ना रहे क्योंकि वो महिलाओं के लिए जगह है, आप खड़े होते हुए भी आप आसपास के लोगों को नहीं हटा रहे हैं और शर्म की बात है। और इस समय मैदान के अंदर लिए चलते हैं आप सबको युवक संघ का युवक संघ बलियापुसी लंका संघ के द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का जो कि द्वितीय चक्र का मैच चलता हुआ जंगली टाइगर और बिंदास एफसी के बीच जो कि जंगली टाइगर इस समय आक्रमण का मोमेंट बनाता हुआ देखना पड़ेगा, अच्छी इंडिया यहाँ पर और दूसरे के बीच से निकालने की कोशिश है लेकिन इसी क्रम में जीत पड़े खिलाड़ी यहाँ क्लियर किया जगदीश के लिए गेंद को बढ़ाया जगदीश ने नियंत्रण किया काफी सुंदर अच्छी तानल के साथ है बट लेकिन गलत पास कर बैठे हैं छीनने की कोशिश लेकिन जंगली टाइगर ले जाते हुए इस गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश देखना पड़ेगा अच्छी नियंत्रण चंगा देने के बाद भरपूर प्रयास स्किल करने का प्रयास पांच पास है किया था लेकिन टकराई की वजह से आगे चल के गोल से बाहर कौन अब तक ड्रॉ के पोजीशन में मैच चलता हुआ देखना कर पड़ेगा कि कितने विंदास अंदाज में जंगली टाइगर को हराना चाहेंगे हेरा द्वारा प्रयास देखना पड़ेगा गोलकीपर की सूझबूझ लपक लिया स्थानों में आगे बढ़ता हुआ देखना पड़ेगा इस समय नियंत्रण नंबर दो पास खेलना चाहा फिर से बिंदास को मिलता हुआ बिंदास एफसी ने पीछे की तरफ पास किया टेक्निक पास देते हुए और आगे बढ़ता हुआ जगदीश के लिए जगदीश से नियंत्रण के गेंद को खेल रहे अपने खिलाड़ियों के साथ पास खेल रहे हैं तालमेल बना रहे हैं जगह बनाने की कोशिश करता हुआ दोनों बने आगे बढ़ाने की कोशिश छीना चपट्टी के क्रम में गेंद छीनी गई और जंगली टाइगर के खिलाड़ी ने नियंत्रण किया था आंखों से ले जाने का प्रयास करता हुआ उछली हुई पास देखना पड़ेगा जंगली टाइगर मिडफील्डर
आगे बढ़ा है शिक्षा के लिए, विंगर के लिए बढ़ा गया, तो विंगर तेजी से आकर गेंद को नियंत्रण करने की कोशिश कर नहीं पाया, दोबारा प्रयास में नियंत्रण किया उन्होंने और क्रॉस डाला था। यहाँ पर देखना पड़ेगा ध्यान रखना, तो छीनी गई गेंद फिर से जंगली टाइगर को ही मिलता हुआ और विंगर को देना चाहते थे लेकिन मौजूद नहीं वहां पर विंगर और गेंद चली गई गोल साइड लाइन से बाहर। थ्रोइन का मौका मिलेगा थ्रोइन करने के पश्चात आगे बढ़ाते हुए देखना पड़ेगा छुट्टी गेंद यहाँ पर बिंदास एफसी को मिलता जरूर लेकिन गोलची ने लपक लिए अपने स्थान पर लंबी थोड़ी पास लेते हुए जंगली टाइगर को और मिलता हुआ छोटे पास के बाद आए चौथा रन बनाने का प्रयास अपने नियंत्रण में लिया गेंद को चकमा देने की कोशिश जरूर कर रहे थे, मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं लेकिन फिनिशिंग नहीं दे पा रहे हैं, इस कारण अभी भी ट्रॉफी पहुंचने में चलता हुआ अब बिंदास को मिलता हुआ। अच्छी तालमेल के साथ खेलती हुई दोनों टीमें, काफी समय है उनके पास, 30 मिनट का समय, 15 मिनट का खेल खेल चुके हैं, बाकी 15 मिनट का खेल चलता हुआ देखना पड़ेगा। अच्छी खेल का प्रदर्शन पीछे की तरफ खेल रहे हैं, जगह बनाने की कोशिश करता हुआ तालमेल का प्रदर्शन करते हुए और उछली पास यहाँ पर दिए जरूर देखना पड़ेगा, गिर पड़े थे यहाँ पर डिफेंडर और गेंद मिली अच्छी क्रॉस और मार लेता हुआ। और गोलकीपर समझ नहीं पाए और जंगली टाइगर की दहाड़ सुनाई दी यहां पर और गोल होता हुआ। इस समय फिर से बिंदास एफसी इस गोल को वापस करने की भरपूर प्रयास करेंगे और इसी को अमल में लाते भी आगे ले जाने की कोशिश करता हुआ छह नंबर के पास है गेंद खेला उन्होंने विंगर के साथ, विंगर ने बेहतरीन तरीके से दो खिलाड़ियों के बीच से निकाला जगदीश के लिए, जगदीश अपने नियंत्रण में लेकिन गलत पास कहेंगे, हड़बड़ाहट उनकी चेहरे पर जरूर दिखा जगदीश के और किक किया गेंद को दिशाहीन और चली गई मैदान से बाहर। कहना चाहेंगे यहाँ पर कि जो भी दर्शक बंधु है इस मैच का आनंद लेना चाहते हैं, भरपूर आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे उत्तरी छोर पर एक बड़ा सा पेविलियन बना हुआ है जो डोनर पेविलियन है, उस पेविलियन में जाकर मात्र 10 रुपये की टिकट काट कर कुर्सी बुक करके आराम से मैच का आनंद ले सकते हैं। लंबी उछाल के साथ यहाँ पर दी है गेंद को बाई तरफ का कर्मन मोमेंट देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं, मिली है गेंद लेकिन गोलकीपर के दस्तान में काफी चौकन्ना है गोलकीपर, अच्छी सूझबूझ के साथ लपक लिए अपने दस्तान में तेजतर्रारिन दिखता है उसमें और विंगर को देना चाहते हैं और विंगर ने नियंत्रण कर भी लिया और पास के छह नंबर के लिए छह नंबर ने नियंत्रण करने के पश्चात देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं, लंबी उछाल के साथ पोस्ट में डालना चाहते थे क्योंकि दिशा ही रणनीति बनाने के साथ खेलने की जरूरत है लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बिंदास एफसी से पीछे अभी भी चल रहा है, इसमें घबराहट के साथ खेलती है और कर्म मैच छोड़ के लिए निकालना चाहते थे लेकिन इसी बीच डिफेंडर ने गेंद को क्लियर किया और अगला मैच के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे बड़मिता और सोनापोशी 10:40 सोनापोशी और एमटीसी बड़मिता, आप दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहेंगे अगला मैच खेलने के लिए और उसके पश्चात खेलने के लिए तैयार रहेंगे श्रीभूम शेर और ज्योत्ना एंड ज्योत्ना, इस बार फिर से प्रयास किया था जंगली टाइगर के खिलाड़ी ने लेकिन उछाल ज्यादा गेंद पर और मैदान से बाहर चली गई गेंद।
जबरदस्त खेल का मुजहरा करते हुए अब तक में जंगली टाइगर टीम एक गोल से आगे थोड़ा गड़बड़ाते हुए खेमे में कलबली बच चुकी है। फिलिपी जिंदा से खेमे पर कलबली बचाते हुए कुछ देर के लिए जंगली आपने के लिए जिंदा से बचे हुए समय पर तमाम बचाना होगा। बैक पास करते अच्छे छोटे छोटे पास से हल्के कदम डिफेंसिव को बैठते हुए छह नंबर की क्रॉस मार दिए। छह नंबर हल्के अपने गेंद को होल्ड करते हुए पूरा स्लो मोशन में ग्यारह नंबर खिलाड़ी दूसरे अटैक कर देखते छोटे छोटे मौका है लेफ्ट विंगर के मौका बिंदास एफसी के लिए लेकिन डिफाइन शॉट कोई चारा नहीं। बहुत ही बहुत मैच रेफरी शीघ्र देर योगम डी के द्वारा ब्लैक हिट का इशारा करते हुए इसके बाद जो खेल होगी मां तनय क्रिकेट परिणीता मानम 10:40 सोना कुशी की भी क्रिकेट के माकू में सीधा आपको ग्राउंड लिए चलता हूँ। यहाँ से मेरे साथी कमेंटेटर लिपिल जी लिपिल सिंह जी और मैं अलोकनाथ सिंह बारी बारी से आपको देखकर सुनाने के लिए मैदान सभी दर्शकों को अभिनंदन करते हैं। वेलकम टू ऑल स्पेक्टर टू ऑल गारगुआ यूथ स्पोर्टिंग बालीपति माइक सोसाइटी सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई के पात्र है और अगले खेल खेलने के लिए बिल्कुल लोहा लेने के लिए तैयार है। जंग इस फुटबॉल के माखुम पर मा संग्राम पर 10:40 सोना कोशी बनाम मा तरणी क्लिनिक परमिता के बीच सेकेंड राउंड का तीसरा खेल खेलने के लिए तैयार रहेंगे और चौथा खेल खेलने के लिए अंतिम खेल खेलने के लिए तैयार रहेंगे छिमुंग शेर बनाम जोशना एंड जोशना। बहुत ही जबरदस्त तगड़ा तगड़ी टीम से सुसज्जित टीम है और अंतिम सीटी होगी और जंगली टाइगर